टैरो मेरी लाइफ के को कैसे इम्प्रूव करेगा एंड क्या अभी टैरो मेरी पर्सनालिटी को बता सकता है? अभी ना टैरो थोड़ा सा समझने की बात है कि टैरो कैन बी एन आई ओपनर, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है आपको आपकी आंख खोल सकता है, आपको रियलाइजेशन दे सकता है, आपको चीज़ों को जो है क्लैरिटी के साथ दिखा सकता है। जब हम पर्सनली जब हम किसी के लिए रीड करते हैं तो बहुत एक इंडिविजुअल लेवल पे जो है एक गाइडेंस क्रिएट होती है, और जो व्यक्ति गाइड कर रहा होता है सिंपली अपने आप को बीच में से हटा देता है, वो सिंपली अपने आप को जो है वो अलाउ करता है उस डिवाइन को अपने थ्रू बोलने के लिए। टैरो आपको देखो, जो भी कहीं ना कहीं जो चीजें पता चलती हैं हमें टैरो से, जो भी कहीं ना कहीं चीजें हमारे सामने आती हैं, वो सिंपली जो है वो डिवाइन की जो है, इट्स लाइक अ डिवाइन इज स्पीकिंग टू यू। और वो कुछ ऐसी बातें हैं कि उसके बारे में कुछ भी जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता कि दैट आज मैंने अगर आपको ये बात बोली है तो कल कुछ शायद और बात होगी। समय के साथ इस क्षण में जो है स्पॉन्टेनिटी जिसको हम बोलते हैं उसकी बात है। इसे टैरो जो है अपने आप में एक बड़ा लाइफ टूल है, एक जीवित ज्ञान जिसको हम कहें। वो कोई ज्ञान ऐसा नहीं है कि जो आपने किताब पे लिख दिया और बात खत्म हो गई। आप जब जीवन जी रहे हो, जब आप जो है आपका जीवन जो है आप क्षण क्षण जो है अपने जीवन को जी रहे हो, तो उसके साथ साथ जो है ज्ञान भी जो है आपको जो देना होगा वो भी लाइफ ही काम आएगा। अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो है एक किताब लिख के दे दी कि गाड़ी कैसे चलानी है आपको, कि फ्रॉम ए टू बी आपको जाना है, और मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दे दूं कि 2 मिनट बाद जो है एक स्पीड ब्रेकर आएगा, फिर आपको ब्रेक लगानी है, आपको क्लच का इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर आपको रेस देनी है, 10 मिनट बाद एक ट्रैफिक लाइट आएगी, वहां पे आपको रुकना है। अगर ये सब कुछ भी मैं आपको बता दूं तब भी वो चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि जब तक आप वहां पे प्रेजेंट नहीं है, जब तक आप वहां पे स्पॉन्टेनिटी के साथ वहां पे खड़े नहीं है, गाड़ी जैसी चीज नहीं चलती तो फिर लाइफ कैसे चल जाएगी? लाइफ को कैसे आप सोचते हैं कि उसके बारे में जो है आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं? ये जरूर है कि अगर हम इस मोमेंट में जो है पूरी तरह से जो है अपने आप को अलाउ करें तो विजडम जो है, यूनिवर्स की जो विजडम है वो आपको गाइड करना शुरू करती है, वो आपको जो है हेल्प करना शुरू कर देती है। उसी को हम कहें ग्रेस, उसी को कहें हम ब्लेसिंग्स, उसी को कहें हम असली आंख, जिसके कारण जो है आपको अपने बारे में पता चलता है। तो दूसरा जो है आपने कहा है कि पर्सनालिटी, पर्सनालिटी बहुत ऊपर की बात होती है। जैसा भी मैंने पॉली का प्रश्न था कि ऊपर से जो चेंजेस, जो ऊपर के जो चेंजेस जो आप करते हो अपने साथ, कि लाइक यू आर अ कॉफी लवर, यू आर एन आइसक्रीम लवर, यू लाइक अल्कोहल, यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, यू आर अ नाइट पर्सन, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की पर्सनालिटीज है। योर नेचर इज बियॉन्ड पर्सनालिटीज। सिर्फ ऊपर ऊपर की जो है वो एक जो खोल है वो आप नहीं है, आप बहुत गहरे जाते हो। तो टैरो के अंदर ऑफ कोर्स ये पॉसिबिलिटी है, ये पोटेंशियल है कि आपको अपने बारे में जो है बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप टैरो को जो है एक डिवाइन टूल की तरह जो है उसका यूज करो, उसके प्रति जो है एक समर्पण का भाव रखो, और टैरो के प्रति जो है पूरी तरह से जो है भीतर से एक श्रद्धा भाव से जो है उसको अप्रोच किया जाए, तो बहुत कुछ जो है टैरो जो है आपको बताएगा, आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा। और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। नमस्ते,
इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़े और हमारे सफर का हिस्सा बने। प्रणाम।